नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अमेठी टेक। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि CTR किस प्रकार से चेक किया जाता है। अगर आपका CTR हाई हो रहा है तो आप उसको किस प्रकार से लो कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, अगर किसी का CTR जब ज्यादा होता है, एडसेंस का CTR जब ज्यादा हाई होने लगता है, तो लोग जिस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं उस पे मतलब उसका मोनेटाइजेशन ऑफ कर देता है, फिर भी उसका CTR ज्यादा यानी कि 15% 20% ज्यादा ही रहता है, कम नहीं होता है। अगर रात में चेक किया जाए 12-1 बजे के लगभग में, तो फिर भी उनका CTR बहुत ज्यादा रहता है, कम नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसा हमारे साथ भी हो गया है। हमारा एक वीडियो वायरल हुआ था तो उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आ रहा था, तो हमारा CTR मतलब हाई रहता था, 15% 20-23-24 इस प्रकार से जाता था। तो मैं सोचा कि लाओ इसको, हमको उसके बारे में CTR के बारे में हाई के बारे में जानकारी ज्यादा थी नहीं, तो मैं उस वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया था। फिर भी यानी कि हमारा CTR बहुत ज्यादा ही हो रहा था, इसके लिए हमारा मोनेटाइजेशन यानी कि एडसेंस अकाउंट 30 दिन के लिए सस्पेंड भी हो गया था। तो मैं आप लोगों को एक मतलब तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप किस प्रकार से अपने CTR को लो कर सकते हैं ताकि आपका भी एडसेंस सस्पेंड ना हो। दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों, हमने अपना एडसेंस अकाउंट लॉगिन कर लिया है, उसके बाद आपको होम पेज पे आ जाना है। तो होम पेज पे आने के बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है व्यूज मोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका थोड़ा लोडिंग होगा, उसके बाद नीचे आपका CTR दिखाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा साइड में CTR दिखा रहा है लास्ट 7 डे का। उसके बाद अगर आप 2 डे का देखना चाहते हैं या कल का देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर स्टडे पर क्लिक करिए। तो स्टेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी हमारा कल का CTR दिखा रहा है कि हमारा कल का CTR 5.18% था। अगर आज का हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 डे 4 पे क्लिक कर देंगे तो आज यहाँ पे आज हम यानी कि आज का हमारा CTR दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा पेज CTR 3.74 है। उसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पे एक बगल में उसके CPC मिल जाता है, अगर आपका CPC ज़्यादा होता है तो आपका CTR कम होता है, यानी CTR कम अगर कम रहता है तो CPC ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब आपका एडसेंस अकाउंट बिल्कुल सेफ है। अगर आपका CPC अगर जीरो हो जाता है, CTR अगर ज़्यादा हो जाता है, तो आपका एडसेंस अकाउंट खतरे में हो सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना होगा, तो दोस्तों आपको Y2 स्टूडियो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे हमने डाउनलोड किया, उसके बाद अपना अकाउंट लॉगिन भी कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमारा ओपन हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ये एक ऑप्शन आता है व्यूज मोड, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। व्यूज मोड पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे चले जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे टॉप वीडियो दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर हमारा अभी लास्ट 28 डे सिलेक्ट है, तो आप यहाँ पे लास्ट 48 आवर्स सिलेक्ट करना है या फिर लास्ट 60 मिनट चेक मतलब सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लास्ट 48 सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि हमारा जिस वीडियो यानी जो भी वीडियो हमारा ज़्यादा व्यूज आ रहा है तो यहाँ पे हमारा दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक हॉटस्टार पे वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे उस पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा व्यूज आ रहा है अभी, यानी कि 48 घंटे में 97,000 यानी 1 लाख के लगभग अभी हमारा मतलब कि व्यूज आया है यानी वॉच टाइम आया है। उसके बाद यहाँ पे अब दूसरा वीडियो के हमारा है हाउ टू अनलॉक सैमसंग गैलेक्सी, यहाँ पे इस पर यानी कि 48 आवर्स में 3617 यानी कि इस पर हमारा मिनट वॉच टाइम हुआ है। तो दोस्तों, अभी जैसे कि हमारा ये वीडियो पे अभी मतलब कि ज़्यादा व्यूज मिनट आ रहा है, तो इसको हमको क्या करना होगा, इस वीडियो पे सिंपली क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पेंसिल के निशान पे ऊपर साइड में क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे फिर से ओपन होगा। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन मिल जाता है मोनेटाइजेशन का, तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे जाइए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन यानी यहाँ पे आपको 4 ऐड दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो दोस्तों सबसे ऊपर आता है एक मोनेटाइजेशन विथ ऐड, यानी कि अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो तब भी आपका दोस्तों CTR कम नहीं होगा, आपका CTR ज़्यादा ही रहेगा। तो ये गलती मत करना कि अगर आपका CTR ज़्यादा हो रहा है तो आप उस वीडियो का मोनेटाइजेशन ना ऑफ करिए, बल्कि उस वीडियो का जो ऐड उसको ऑफ कर दीजिए, मतलब ऐड ऑफ कर दीजिए। तो दोस्तों ये गलती मत करना, ये गलती हमने भी किया था, तो हमारा एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो गया था। तो आपको यहाँ पे एक तीसरे नंबर पे एक ऐड मिल जाती है, स्केपेबल ऐड और उसके बाद नॉन स्केपेबल ऐड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये दोनों ऐड बंद कर देना है, स्केपेबल और नॉन स्केपेबल, ये दोनों ऐड को बंद कर देना है। उसके बाद ऊपर सेव पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे हमने पहले से ही बंद किया है क्योंकि हमारा वीडियो अभी इस पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा व्यूज आ रहा है। उसके बाद इसलिए हमारा CTR भी ज़्यादा हो जाता है।
तो इसके लिए हमने अब इस जो इस वीडियो का यानी जो ऐड है उसको बंद किया, तो अभी हमारा CTR यानी लेवल पे चल रहा है 3.84 पे चल रहा है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से था, अगर आपका आपके और कोई वीडियो पे ज़्यादा व्यूज आ रहा है फिर भी आपका CTR कम नहीं हो रहा है, तो दोस्तों जो दूसरे नंबर पे वीडियो है आप उस पर जाइए, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इस पर दूसरे वीडियो पर जाइए, उसके बाद इसका भी मोनेटाइजेशन यानी जो ऐड है स्केपेबल ऐड इसको भी ऑफ कर दीजिए, तो आपका CTR लेवल में हो जाएगा। दोस्तों यही था छोटा सा हमारा वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।